दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि पुराने नोट लेकर अगर आप बैंक में उसे बदलने को जाते हैं तो ये काम आपके लिए टेढ़ी खीर साबित होता है। लोग अक्सर बैंक के चक्कर लगाते थक जाते हैं और अगर ये राशि बड़ी हो तो फिर दिक्कत और भी बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब बैंक को आपको पैसा लौटाने का अधिकार नहीं है। आपके पास भी अगर कटे फटे और पुराने नोट हैं तो आप आसानी से बैंक में इसे ले जाकर नया नोट इसके बदले में ले सकते हैं। अगर फिर भी बैंक आपको मना करता है तो ऐसे में क्या करना होगा, इस वीडियो में ठीक से समझ लीजिए। अगर आपके पास कटे फटे या मैले नोट हैं तो इसे बेकार ना समझिए, आप इसे किसी भी बैंक में ले जाकर बदल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार हर बैंक में इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, इसका लाभ लिया जा सकता है। कई बार हमारे हाथ कटे फटे नोट लग जाते हैं, मैले नोट या बहुत पुराने नोट पहुंच जाते हैं, हम इन्हें किसी दुकानदार या अन्य को दे देते हैं तो वे लेने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में हम इन्हें बेकार समझकर किसी कोने में रख देते हैं, हालांकि इन नोटों का पूरा मूल्य होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार इन्हें किसी भी बैंक में बदला जा सकता है। जानकारी के मुताबिक कटे फटे पुराने नोटों को बदलने के लिए हर बैंक में व्यवस्था की गई है। जिला अग्रणी प्रबंधक अवधेश आनंद के मुताबिक हर बैंक में इस तरह की व्यवस्था की गई है। बैंक ग्राहक मैले और फटे नोटों को शाखाओं में जाकर बदल सकते हैं। सभी जगह पर नोटों को बदला भी जा रहा है। म्यूटिलेटेड नोट लेने से बैंकों को परहेज है। तेल आदि में डूबे हुए नोटों को इस श्रेणी में रखा जाता है। बैंकों में इस तरह के नोट नहीं लिए जाते हैं। इस तरह के नोटों में नोटों का नंबर आदि भी स्पष्ट नहीं होता है। ये असली है या नहीं, इसकी पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। यदि कोई बैंक कटे फटे और पुराने नोट लेने से मना करता है तो इसकी शिकायत आप लोकपाल से कर सकते हैं। सादे कागज पर इसके लिए आवेदन दिया जा सकता है। खुद अपना पक्ष रखा जा सकता है। लोकपाल संबंधित बैंक को नोटिस भेजकर पक्ष रखने के लिए बुलाते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद नियमानुसार कार्रवाई भी की जाती है। तो ऐसे में जितने भी लोग हैं उनके लिए ये जानकारी काफी अहम हो जाती है, क्योंकि ऐसे लगभग बहुत सारे लोग होंगे जो बैंक में जाते तो हैं अपने कटे फटे और पुराने नोट लेकर, लेकिन बैंक वाले उसे बदलने से जब इनकार कर देते हैं तो मायूस होकर उन्हें वापस घर लौटना पड़ता है और वो ऐसे में किसी से इसकी शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। आखिर करे भी तो क्या। लेकिन RBI ने अपने गाइडलाइन में ये साफ कह दिया है कि बैंक अब इस तरह के नोट लेंगे। हाँ, किस तरह के नोट बैंक नहीं लेते हैं वो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। लेकिन अब अगर आपका नोट पुराना हो गया है या मैला हो गया है या अब लगभग फटने ही वाला है और आप इसे बेकार समझकर फेंकने वाले हैं तो ऐसा मत कीजिए। आपके फटे पुराने नोट बैंक में आसानी से बदले जा सकते हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।